नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। सप्ताह क्या है? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये सप्ताह महीनों में बदलता है, महीने सालों में बदलते हैं। जब हमें अगले आने वाले 7 दिनों की सही जानकारी मिल जाए तो हम छोटी छोटी खुशियों को पाते हैं और छोटी छोटी खुशियों से मिलकर बड़ी खुशियों का निर्माण करते हैं। तो आगे आने वाले 7 दिन आपके लिए, आपकी राशि के लिए, आपके परिवार के लिए, आप जिनसे जुड़े हैं उनके साथ कैसे बीतेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपका परिवार भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, माँ भी हैं, पिता भी हैं, और भी लोग हैं, उन सबसे कैसे रिश्ते होंगे, बॉस भी हैं, सहकर्मी भी हैं, नौकर भी हैं, आपके ऊपर बैठे हुए बॉस भी हैं, तो सबके साथ आपके रिश्ते कैसे होंगे, पैसा आएगा तो क्या जुड़ पाएगा, क्या पैसा खर्च हो पाएगा, क्या मूड खराब रहेगा, क्या जुबान मीठी रहेगी, क्या दिल से दिल मिलेंगे, क्या जीवन साथी का प्यार वैसा ही बना रहेगा जैसा आपको चाहिए था। ये सब छोटी मोटी बातें हम आपको बताएंगे। क्या वाहन का सुख मिलेगा, क्या घर पर बैठे बैठे मौज मस्ती होगी, काम घर बैठे बढ़िया चलेगा, क्या नौकरी के लिए आवेदन करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा बढ़िया, क्या इंटरव्यू में सफलता होगी, क्या आपकी चेहरे पर खुशियाँ बनी रहेंगी, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा अगले 7 दिनों के बारे में। तो आप अपनी राशि के अनुसार इस राशिफल को देखिए। 15 से 21 तारीख का हम यहाँ पर आपको राशिफल बता रहे हैं और इसके बाद आप जान जाएंगे कि आगे आने वाला सप्ताह कैसा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं राशिफल की। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अब बात करेंगे आपके आने वाले 7 दिनों की। तो पूरा विश्वास के साथ इस वीडियो को देखिए और उम्मीद ये करिए कि आगे आने वाले 7 दिन बेहतर होंगे, क्योंकि सकारात्मक विचारों के साथ यदि किसी चीज को देखा जाए तो उस पर शुभता आ ही जाती है। तो अपने शुभ दिमाग और शुभ विचारों से आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि के आने वाले 7 दिनों का। और फिर से कहूँगा, आपका अगर जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, घंटी को दबाएं और जुड़ जाएं हमसे। यकीन मानिए, बहुत मज़ा आएगा और जीवन आसान हो जाएगा। आपकी राशि क्या कहती है, आइए अब जानते हैं। हम बात करेंगे वृषभ राशि की। जनवरी का तीसरा सप्ताह, 15 से 21 तारीख के मध्य का समय। तो शुरुआत करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में परिवार से संबंधित मुद्दों को लेकर छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। परिवार में खुशहाली और शांति का माहौल बनाए रखने के लिए आपको अत्यधिक प्रयास करने पड़ेंगे। आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे से लड़ सकते हैं। आपको सभी को खुश रखने के लिए कोशिशें जारी रखनी होगी। धन का प्रवाह अच्छा होने की वजह से परिवार वालों के साथ आपके रिश्ते थोड़े बेहतर बने रहेंगे। परिवार में आप धन देते रहेंगे और अपनी मान सम्मान को बनाए रखेंगे। परिवार वालों की तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी। सप्ताह के मध्य में दिनों में सामाजिक गतिविधियां खूब बढ़ने वाली हैं और आपके लिए सुखद समाचार लेकर आएगा सप्ताह के मध्य का समय। अपनी कार्य कुशलता से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया रहेगा। काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर या फिर घर के कामकाज को लेकर आपको पूरा सहयोग और स्नेह अपने परिवार के लोगों का, रिश्तों का, रिश्तेदारों का, मित्रों का, बॉस का, सहकर्मियों का मिलेगा, दोस्तों का मिलेगा, भाई बहनों का मिलेगा। सप्ताह का अंतिम भाग संकेत दे रहा है कि आपकी माता जी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। घरेलू मुद्दे सप्ताह की अंतिम तारीखों में आपको परेशान कर सकते हैं। सेहत का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि आने वाले 7 दिन कैसे होंगे। हर एक तारीख की बात करेंगे विस्तार से ताकि आप वक्त को बेहतर तरीके से समझ जाएं और अंत में होगा कुछ विशेष। तो 15 जनवरी की बात करें तो थोड़ी कड़ी मेहनत करने का दिन होगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आप अपने भाई बहन से अच्छे संबंध बना कर रखेंगे। सट्टे शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए शुभ समय नहीं है। कोई जोखिम उठाने वाला काम नहीं करिएगा। गाड़ी वाहन ठीक प्रकार से चलाइएगा। पुराने मित्रों से संपर्क बढ़ेगा। विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बोलचाल भाषा का प्रयोग सही तरीके से करिएगा। अभद्र भाषा और व्यर्थ की गपशप से बचने की कोशिश करिएगा। बात करेंगे 16 जनवरी की। तो आज आप जोश और हिम्मत से कुछ असाधारण कार्यों में अपना हाथ डालेंगे। कुछ छोटी यात्राएं भी करेंगे। यात्रा से बचा जा सकता है तो बचने की कोशिश करिएगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। यदि आप एक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अभी थोड़ा रुकने की जरूरत है। आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को खराब ना करें, उनकी बात सुने और एक दूसरे के साथ और सहयोग से आगे बढ़ें।
प्रेम संबंध में भी एक दूसरे की सुनना आवश्यक होगा। 17 जनवरी की बात करें तो कड़ा संघर्ष का दिन है, जिसके कारण आप तनाव और थकान ग्रस्त हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जिससे आप मुश्किल काम कर लेंगे। आप अपनी हिम्मत से कोई भी निर्णय लेंगे और उसकी सफलता के लिए खूब मेहनत करेंगे। धैर्य बनाकर रखें और अपनी कार्य स्थिति को चालू रखें। किसी भी काम को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। पैसा कड़ी मेहनत से प्राप्त होगा, लेकिन प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। आपके बच्चे श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त करेंगे पढ़ाई लिखाई में, अपने करियर में, नौकरी में, व्यापार में। बच्चों की तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी, बच्चे खुशखबरी जरूर सुनाएंगे। 18 जनवरी की बात करें, आप थकान और आलस का शिकार हो सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपके द्वारा लिया गया हर एक निर्णय आपसे कड़ी मेहनत करवाएगा। आपको धन कठिन मेहनत से प्राप्त होगा। जीवन साथी से संबंध मधुर बने रहेंगे। प्रेम संबंध में प्यार होगा। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत के लिए दिन बेहतर है। शुभ समाचारों की प्राप्ति संतान की तरफ से होगी। आपकी संतान आपको दादा दादी बनने की खुशखबरी दे सकती है, नाना नानी बनने की खुशखबरी दे सकती है, चाचा चाची बनने की खुशखबरी दे सकती है। आपकी संतान की तरक्की हो सकती है नौकरी या व्यापार में, उनको अच्छा पद मान सम्मान या कोई अच्छी लंबी विदेश की यात्रा होने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिलाकर एक बढ़िया दिन है 18 जनवरी का, जब छोटी मोटी खुशियाँ घर के लोगों से भी मिलेंगी, अन्य लोगों से भी मिलेंगी और जहां देखेंगे वहां पर अच्छा ही अच्छा होगा। 19 जनवरी की बात करें तो थोड़ा सा कड़ा संघर्ष का दिन है। तनाव से थोड़ा सा टेंशन हो सकती है और परिवार के लोग थोड़ा सा एक दूसरे से खींचे खींचे रह सकते हैं। घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है। हिम्मत करने के बावजूद भी काम करने में पूर्ण रूप से आपका मन नहीं लगेगा। बच्चों का मन पढ़ाई में थोड़ा सा विचलित हो सकता है। जीवन साथी से रिश्ते मधुर बने रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी हिम्मत को बनाकर रखेंगे। आपके बच्चे आपको ताकत देंगे, आपके बच्चे आपका सहयोग करेंगे और उसकी वजह से आप छोटी मोटी परेशानियों से बचकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। 19 जनवरी कोई बड़े फैसले सोच समझ कर लीजिएगा, जल्दबाजी में निर्णय ना करें, वाहन ठीक से चलाएं और जुबान को तोल मोल कर बोलें और नरमी और गर्मी का हिसाब किताब देख लीजिएगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, कब नर्म होना है कब गर्म होना है, इस बात का ध्यान रखें। और सर्दी खांसी से बचने की कोशिश करिएगा। इसके साथ साथ अगर आप बुजुर्ग हैं, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर की समस्या है या कुछ भी सर्दी खांसी में आप ज़्यादा आपको जल्दी लग जाती है, एलर्जी है, तो विशेष ध्यान रखिएगा। हम बात करने वाले हैं 20 जनवरी की। आज आपके घर में प्रसन्नता और उल्लास का माहौल होगा। आपसी तालमेल होगा लोगों के साथ। परिवार के लिए एक बढ़िया वक्त है। आपको गुप्त रास्तों से धन की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई प्लॉट या घर खरीदना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप खरीद पाएंगे। आपको सभी क्षेत्रों में सफलता, जीवन साथी का साथ और सहयोग, पुराना पैसा मिलने की संभावना है। कोई आपने निवेश किया हो वहाँ पर अचानक से बड़ा धन लाभ होने की संभावना है। बच्चे पढ़ाई लिखाई में आज थोड़े से पीछे रह सकते हैं, खेल कूद में ज़्यादा रहेंगे या बच्चों को थोड़ा सर्दी गर्मी लग सकती है। 21 जनवरी की बात करें तो आज का दिन आप तमाम प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पालेंगे। बड़े लंबे समय से चली आ रही कोई परेशानी का हल हो जाएगा, कोई बिछड़ा हुआ यार मिल जाएगा और सभी प्रकार के आनंद आपको मिलेंगे। कोई अच्छी खुशखबरियां आपको मिलेंगी। आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में, उत्सव या भाव में जा सकते हैं। कोई नया वाहन खरीदने के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं। माता पिता से धन प्राप्ति के योग है। आपके संबंध माता जी से शुभ बने रहेंगे। कोई पैसों की कमी आपको आपके परिवार वाले पूरी कर देंगे। जमा पूंजी बढ़ाने का दिन है। कुछ अच्छे निवेश कर पाएंगे, कुछ अच्छे फंड्स में पैसा लगा पाएंगे, कुछ अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। बच्चों की तरक्की होगी, आपके बच्चे आपको अच्छी सलाह देंगे, जिससे आपको फायदा भी होगा और आपको सुनकर अच्छा भी लगेगा। चाहे फील्ड आपकी कोई सी भी हो, आईटी की फील्ड हो या फिर आप सुनार हो या मैकेनिक हो, चाहे सोना का काम करते हो या लोहे का काम करते हो, चाहे हवाई जहाज चलाते हो या मोटरसाइकिल चलाते हो, कार से जाते हो या पैदल जाते हो, आपके लिए बताए गए वक्त में जो सुख सुविधाएं ईश्वर दे रहे हैं वो सभी को प्राप्त होंगी। अपने अपने स्तर से प्राप्त होंगी, किसी को थोड़ी कम, किसी को थोड़ी ज़्यादा। अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है तो मैं ये कहूँगा 85% तक भाग्य आपका साथ दे रहा है। इस सप्ताह में लाभ उठाइए 15 तारीख से 21 तारीख समय के वक्त का। खुशियाँ बहुत सारी हैं, उसके लिए हनुमान जी की उपासना करिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करिए और अपने घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लेकर ही किसी काम की शुरुआत करें और बेहतर रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। और फिर भी कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बेहतरीन सप्ताह जो काफ़ी सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। नमस्कार।